वो जिंदा है, हजारों सालों से वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, न जाने कितनी सदियों से। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे अश्वत्थामा आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। काफी लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने जिंदगी भर समय चक्र का अंत होने तक पृथ्वी में सड़ने का श्राप दिया था। दरअसल उसे अमरता का श्राप मिला था। वासुदेव ने कहा था कि तुम मृत्यु के लिए तरसोगे लेकिन तुम्हें मृत्यु नसीब नहीं होगी। अगर अश्वत्थामा को बिना उनकी मर्जी के कोई देख लेता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो अपने मर्जी से ही लोगों को दर्शन देते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा से मिल चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से दिव्यास्त्र मांगे थे लेकिन अश्वत्थामा ने कहा था तुम्हारा शरीर इन दिव्यास्त्र को झेल नहीं पाएगा, इनकी ऊर्जा से तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा। अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान का भविष्य देखा था और उन्हें शब्द भेदी विद्या का दान दिया था। मे भी अश्वत्थामा को पता था कि उनकी आंखें निकाले जाने वाली है और फिर उसी विद्या से बिना देखे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था। इस कहानी का उल्लेख उनकी बुक पृथ्वीराज रासो में मिलता है। एक सम्राट झूठ नहीं बोल